हेलो बच्चों, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ अवर केमिकल इक्विलिब्रियम। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को फिर से ढंग से वेलकम करता हूं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट टू में। लास्ट क्लास से उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी कुछ सीख के आए होंगे। आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हम लोग केसी और केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं और किस तरीके से केपी और केसी के बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आज का जो कॉन्सेप्ट जिसपे हम लोग फोकस करने वाले हैं, वो है ला-शैटेलियर प्रिंसिपल। नाम है, कई लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। कुछ लोग ला-शैटेलियर बोलते हैं, कुछ ला-शैटेलियर बोलते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। मैं बोलता हूँ ला-शैटेलियर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमको दिखाता है, हमको समझाता है कि किस तरीके से रिएक्शंस आपस में प्रोपोगेट करती है। मींस फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, किस तरीके से वो दोनों रिएक्ट करती है, या फिर किस तरीके से इस रिएक्शन की स्पीड को हम लोग थोड़ा सा डिले या फास्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में ला-शैटेलियर के अलावा हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आप आगे तक लंबे समय तक, लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे। तो आज की लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी और डिले के। तो स्वागत कीजिए आज के हमारे टॉपिक्स का। सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक है हमारे पास में पढ़ने के लिए। पहला जो है वो है ला-शैटेलियर्स प्रिंसिपल। भले आप स्पेलिंग ढंग से याद ना रखो या फिर इसका नाम ढंग से याद ना रखो, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। ऐसे न्यूमेरिकल्स पहले भी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू कहां से करने वाले हैं? लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा के बारे में, कि किसी रिएक्शन से कितना कितना अल्फा निकलता है। तो आज पहले स्टार्ट से ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पीछे आपकी एक टेबल दी हुई है स्क्रीन पे, एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको होमोजेनस इक्विलिब्रियम्स दिए हुए हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि जो मोस्ट फेमस क्वेश्चंस हैं, मतलब आप ये मान के चलिए स्टूडेंट्स की जितनी भी रिएक्शंस या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे क्या पूछने वाले हैं, वो आपसे पूछने वाले हैं इन रिएक्शंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो क्या होने वाला है, किस तरह से वो डिसोसिएट होती है, या फिर अमोनियास हेबर प्रोसेस, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन, या फिर PCl5 का डिकम्पोजिशन, ये चीजें आपसे पूछने वाले होते हैं। आप देखिएगा, अगर आप मॉड्यूल को भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही है। यहाँ पे सबसे पहली और सबसे सोचने वाली बात क्या है? सबसे सोचने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, या आप पढ़ सकते हो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्या होता है ये? जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी स्टेट्स सेम होती है, सबके सब गैसियस फॉर्म में। आप अगर यहां देख पाएंगे ध्यान से, तो हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड सभी के सभी किस तरीके से हैं, यहां पे गैसियस फॉर्म में है। तो अब सिंपल सा हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम यूनिट फॉर्म से माने, मतलब एक्टिव मास शुरू में कितना मान ले, 1, टी इक्वल टू 0 पे कितना था, इनिशियल मोल कितने हैं, मान लीजिए इसके 1 है। मैं ये कंबाइंड फॉर्म में आपको सिखा रहा हूं, आपको ये नहीं देखना है। आप पढ़ने के बाद में अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम को, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये मुझसे पढ़ने के बाद में सिर्फ को बंद करना है वीडियो को, और सारी की सारी रिएक्शंस का खुद से डेरिवेशन स्टार्ट करना। ये बहुत जरूरी है, विश्वास करके चलिए, मान के चलिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम पे जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, अगर आप 10वीं में हैं तो अगले साल, अगर आप 9वीं क्लास में या 8th क्लास में, तो 2 या 3 साल बाद जब आप इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट तरीके से क्वेश्चंस करने को मौका मिलेगा, बारीकियों से क्वेश्चंस कर पाएंगे आप, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस घर पे अभी की है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा मेरे डेरिवेशन एक्सप्लेन करने के बाद में, और खुद से ट्राई कीजिएगा सभी को। दिस इज अ रिक्वेस्ट, और या फिर आप बोल सकते हो कि एक गुरु का आदेश है जो आपको मानना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इनिशियली जब मैं टी इक्वल टू 0 की बात करता हूं, तो मैं पहले तो पेन चेंज कर लेता हूं ताकि मैं बात कर पाऊं। तो T इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स अवेलेबल रहेंगे। तो हमने मान लिया इनिशियली उनके मोल्स कितने कितने हैं, उनके मोल्स हैं 1-1। ठीक है, 1-1। अब मान लेते हैं कि
एक्स डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ, एक्स डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से एक्स डिसोसिएट हुआ, इसमें से भी एक्स डिसोसिएट हुआ, और ये कितना बनेगा 2x। तो इनिशियल मोल कितने हो जाएंगे, इनिशियल मोल थे 1 प्लस 1, अब इक्विलिब्रियम पे मोल कितने होंगे, ये प्लस ये प्लस ये, तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x का टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2, ठीक है बेटा। अब अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनकी इक्विलिब्रियम पे आप कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मासेस दोनों बराबर ही होते हैं, तो देख सकते हैं इनके एक्टिव मासेस कितने माने गए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कहां पे ये सब कहां चल रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम चल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब इसको अगर आप मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन बोले तो टोटल इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन का मतलब, क्या होगा इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, तो इंडिविजुअल का अगर मैं एच टू का बात करूंगा तो मोल कितना था 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय टोटल मोल से कर दिया, ये इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई। इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई, इसके 2x मोल थे, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हो, फर्ज करो इमेजिन करो कि टोटल प्रेशर दे रखा था पी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस कितना होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए क्या केपी या केसी, तो केसी कैसे निकाला जाएगा, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कैसे निकाला जाएगा, इसका एक्टिव मास अपॉन इनके एक्टिव मास, ठीक है। तो देखो 2x अपॉन v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू v अपॉन v, 1 माइनस x अपॉन v, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यही तो निकल के आएगा। आप चाहे तो इसको मैं पूरा डिराइव कर दूंगा, एक बार देख लेते हैं, अगर मैं 4h2i2 2hi इसके लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं मैं इसके लिए, मैं चाहता हूं इसके लिए लिखना केसी की वैल्यू, तो एट इक्विलिब्रियम इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बाय वी, 1 माइनस एक्स बाय वी, 2x बाय वी, तो केसी को इसी तरह से लिखा जाएगा ना बेटा, ध्यान से देखो एक बार, 2x अपॉन v स्क्वायर का ये जो पावर है वापस यहां लग जाएगी, अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वी, ये जो हाइड्रोजन की हो गई, और 1 माइनस एक्स अपॉन वी ये आयोडीन की हो गई। इसको अगर आप सोल्व आउट करोगे तो ये बन के निकलेगा 4x स्क्वायर बाय v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय v स्क्वायर, कैंसिल आउट कीजिए तो यही बन के आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो आपको टेबल में सिखाया है, ये आपका होमवर्क है बेसिकली, मैं बस आपकी हेल्प कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है बस मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से आप केपी भी निकाल सकते हो, केपी निकालने के हमारे पास दो तरीके, या तो हम पार्शियल प्रेशर्स की हेल्प लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर, आरटी की पावर क्या बताइए कमेंट बॉक्स में, आरटी की पावर क्या, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर क्या, शर्ट का बटन खुल गया, लगा लेते हैं, कोई सो गया उसको जगा देते हैं, और आपने मांगा केमिस्ट्री में हेल्प तो हमने कहा पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे केपी और केसी में रिलेशनशिप निकल के आएगा, डेल्टा एन की वैल्यू इसके लिए जीरो है, अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको आर की वैल्यू दी हुई है, तो आप केसी की हेल्प से केपी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। आगे चलते हैं बेटा, इसी तरीके से जब हमको ये देखना है अमोनिया या फिर SO2 वाला केस या फिर PCl5 वाला केस, यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू जीरो से ऊपर है, मतलब डेल्टा N की वैल्यू जीरो नहीं है, डेल्टा N की वैल्यू जीरो से कम भी हो सकती है, जीरो से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा इसके लिए कितनी है डेल्टा N की वैल्यू बताइए जरा, इसके लिए कितनी है डेल्टा N की वैल्यू, डेल्टा N की वैल्यू निकालने के लिए N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट तो करते हैं ना बेटा, तो ध्यान से देखो इसको, N प्रोडक्ट कितना है 2 माइनस 1 प्लस 3 तो कितना हो गया माइनस 2, डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए कितनी आ रही है, इसके लिए भी नेगेटिव रहेगी 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, नेगेटिव आ रही है यहाँ पे। इसके लिए कितनी रहेगी बेटा, इसके लिए पॉजिटिव रहेगी 2 माइनस 1, ऐसे निकल के आ गई है। ये सारी रिएक्शन की डेरिवेशन अगर आप कर पाए, अगर ये सारे डेरिवेशन आप कर पाए तो मजा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेशंस मतलब ये चार रिएक्शन, इन चार रिएक्शन से घूम फिर ये क्वेश्चन आएंगे तो आपका तो टाइम बच गया ना,
आपको तो याद हो जाएगी ना वैल्यू धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद में, कि इसके लिए केसी की वैल्यू कितनी है, 4x² / 1 - x², यहाँ पे x क्या है बताओ, यहाँ पे x क्या है, x है उसका वो मास जो वहां से बन के आया है, ठीक है, यहाँ पे x है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ लो इसको, यहाँ पे x क्या है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इसी तरीके से आप अमोनिया के लिए निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप SO2 वाली रिएक्शन में निकाल सकते हो, इसी तरह से आप PCl5 के लिए भी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हम अभी तक बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर्स की। अब बात किसकी करनी चाहिए, एक बार थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमसे बार बार पूछी जाती है। अच्छा बिफोर मैं आगे बढ़ूं, मेरे को एक मैं पिछली बार आपको बताना भूल गया, अब मैं आपको बता देता हूं, एक रिएक्शन है CaCO3 डीकंपोज होता है और बनाता है CaO और CO2। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारी गैस है और ये भी हमारा सॉलिड है, ठीक है बेटा। क्या ये रिएक्शन एट प्रेजेंट रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या लगता है आप सभी को, क्या ये रिएक्शन जो राइट नाउ लिखी हुई है पीछे, क्या ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है? आंसर होगा आप सभी का जो सही भी है, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग एक क्लोज्ड वेसल में करें, इस रिएक्शन को अगर आप किसी एक क्लोज्ड वेसल में करते हैं तो क्या होगा, ये रिएक्शन बन जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कैल्शियम ऑक्साइड इस CO2 से वापस रिएक्ट करके पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा और क्या बना लेगा आपका CaCO3। ध्यान से देखने पे आपको पता लग जाएगा ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल, ये होमोजीनियस नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मिल गई ना आपको, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गई, ये एग्जाम्पल हो चुकी है हमारे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के जो काफी इंपॉर्टेंट है। अमोनियम बाइसल्फाइड को जब डीकम्पोज करते हो तो बनाता है वो अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझना है, ठीक है। ये रिएक्शंस बहुत माथापच्ची करवाएगी, बहुत कंफ्यूज करेगी आपको अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इनके अंदर केसी के अंदर या केपी के अंदर जब भी आपको निकालना है कुछ भी तो उसमें सॉलिड्स का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, याद रखनी है चीज कि इनके अंदर जब आपको केपी निकालना है या जब आपको केसी निकालना है तो उसके अंदर इनके सॉलिड्स का कोई रोल नहीं है, समझना एक बार ध्यान से। इनिशियली T इक्वल्स टू जीरो पे, कहां पे T इक्वल्स टू जीरो पे, इसका एक मोल है, इसके जीरो मोल है, इसके जीरो मोल है और ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, मतलब कि ये सॉलिड रहेगा, ये गैस और ये गैस, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, उसके बाद में जब इक्विलिब्रियम की बारी आई तो उसमें से ये माना कि ये x डिसोसिएट हुआ, ये x बना और ये x बना, तो अब यहाँ पे मोल कितने रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे मोल कितने रहेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए था यहाँ पे मोल रहेंगे 1+x, यही ना आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था कि मोल कितने रहेंगे 1+x, बट ऐसा नहीं होता, हम इक्विलिब्रियम पे सॉलिड्स की कंट्रीब्यूशन को काउंट नहीं करते। सॉलिड्स का रोल क्या है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस अमोनियम बाइसल्फाइड का रोल क्या है, ये रिएक्टेंट था, मानता हूं रिएक्टेंट था, ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये रिएक्टेंट है, लेकिन इसका रोल सिर्फ इतना है कि ये हमको बताएगा कि कितना परसेंट अल्फा निकला है, एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, जो मोल्स वहां पे रिएक्टेंट के होते हैं। जैसे ही वो आ गया, मतलब कि जैसे ही वो बनना स्टार्ट हो गया एक्स, तो हमको क्या मिलने लग जाएगा, अमोनिया मिलेगी और साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलने लग जाएगी, तो हमारा केपी या केसी का जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन रहेगा बेटा, ये रिएक्टेंट्स रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली इधर आइए, फटाफट आइए क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही चलता है। यहाँ पे देखो कार्बन सॉलिड है, CO2 उसके साथ में बनी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, ठीक है भैया मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा,
इनिशियली इसका भी एक मोल रहेगा, इसका भी एक मोल रहेगा और इसका जीरो मोल रहेगा, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो उसमें से x डिसोसिएट हुआ, किस में से, इनिशियल मोल में से x डिसोसिएट होगा। अब इस x की वजह से क्या बन के आ जाएगी हमारे साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमें इसको इससे मतलब नहीं है। अब आप चेक करना, इनिशियल मोल्स तो निकाल रही दिख रहे आपको वहां पे, लेकिन फाइनल मोल्स कैसे निकलेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस 2x मतलब कितना आ गया, 1 प्लस 2x। क्या आपको समझ में आ रही है बात, बताइए जरा क्या आपको समझ में आ रही है बात। तो अब जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी पंचायत, जो भी रात्रि जागरण होगा, वो कौन करवाएगा, ये 1 प्लस एक्स करवाएगा। केपी निकालना है तब भी यही काम में आएगा, ठीक है, केसी निकालना है तब ये काम में आएगी। इसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, ठीक है, NH2CO2NH4, इसको जब आप डिसोसिएट करेंगे तो दो गैसेस बनती है, अमोनिया प्लस CO2। यहां पे इनिशियली देखो कि ये सॉलिड है, मान लेते हैं सॉलिड है, इससे वन मोल से कितना बनेगा, 1 माइनस एक्स। अच्छा ये भी याद रखो, किसी भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड्स के एक्टिव मासेस कितने माने जाते हैं, एक, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सॉलिड्स पूरी तरीके से वहीं पे रहते हैं, कभी भी वो खत्म नहीं होते, कभी भी वो डिसोसिएट नहीं होते। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम में यही तो हुआ कि जैसे ही हमने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया, ये गैसेस वापस से इसको बनाना स्टार्ट कर देगी, तो इसका मास को कुछ भी डिसोसिएट करके मानने की जरूरत ही नहीं है, जितना ये पहले खोया था उतना वापस आ गया, तो बस इसको रोक देते हैं वहीं पे, इसका हम लोग मास वगैरह कुछ भी कंसिडर नहीं करते। इसका कंसिडरेशन कब है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल से डिसोसिएशन तक का, कि एक्स की वैल्यू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बस। जैसे ही एक्स की वैल्यू आई, खत्म, टाटा बाय बाय, आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। तो यहाँ पे कितना मोल्स आएगा, 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, ये डिसाइड करेगा सब कुछ। देख लीजिए मोल फ्रैक्शन कितनी आ रही है, टोटल मोल कितने हैं, 2x, तो x अपॉन 2x मतलब इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ। इनके प्रेशर्स कितने आएंगे, इनिशियल प्रेशर्स अगर मान लिया जाए P था, तो अब कितना हो जाएगा, P by 2, तो KP कितना बनेगा भाई, KP बनेगा इनके P square by 2 because of this, और P square by 2 because of this, तो ये कितना हो जाएगा, P square by 4 हो गया। ये समझ में आ गया, आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। सॉलिड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में इस चीज को फिक्स कर लीजिए, सॉलिड्स को किसी रिएक्शन में देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है बेटा, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। यहां तक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ट्राई करता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं कमेंट्स, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ कमेंट्स को एड्रेस किया था, जो भी कमेंट्स आते हैं उतने में एड्रेस कर देता हूं, नहीं आएंगे तो क्या करें। टेलीग्राम के रिस्पॉन्सेस टेलीग्राम पे मैं देना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे, तो आपसे वो भी रिक्वेस्ट है, जैसे शिवेंदु सर अभी कुछ दिन पहले लाइव गए थे, आपकी काफी सारी क्वेरीज उनसे उन्होंने सॉर्ट आउट की थी, या फिर रोहित सर भी आपको बताते रहते हैं, तो मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं आपसे टेलीग्राम पे कनेक्ट रहूं। ओलंपियाड वाला चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो भी लोग क्लासेस लेना चाह रहे हैं, आ जाइए। अब आगे पढ़ते हैं एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। अरे ये क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन तो आपको करना है, ठीक है। यहां से बस मैं आपकी कितनी सी हेल्प कर सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.1, ये मेरी हेल्प हो गई आपसे, और प्रेशर कितना है, 180 एम, तो चालू हो जाओ फिर, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये मैंने आपको दिया भी था लास्ट क्लास में क्वेश्चन, मेरा आज का आपके लिए जो क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से मैं जो कर लूंगा पहला क्वेश्चन वो है ये वाला, मैं जिस क्वेश्चन से आज की क्लास का शुभारंभ कर रहा हूँ वो ये वाला। When 3.06 gram of solid ammonium bisulfide is introduced into a 2 liter evacuated flask at 27 degrees, 30% of the solid decomposes into gases ammonia and hydrogen sulfide. Calculate Kc and Kp for the reaction at 27 degrees. So first of all, अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए केपी और केसी कैलकुलेट करना है तो मेरी एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, और वो बात यह है कि रिएक्शन लिख लो फ्रेंड्स, रिएक्शन नहीं लिखोगे तो फिर सॉल्व कैसे करोगे।
ठीक है यहां तक का कार्यक्रम, कोई डाउट नहीं? चलो इस रिएक्शन में क्या करूं, कैसे करना पड़ेगा इसको? इसने 2 लीटर का वॉल्यूम दे रखा है, इसने ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या मेरे पास इस रिएक्शन में कोई भी मोल दे रखे हैं क्या? नहीं, बट मुझे ग्राम्स दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, मोल निकाल लूंगा। मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मोलेक्यूलर मास। तो देखो गिवन मास कितना है, 3.06 है मेरे पास, 3.06 मेरे पास गिवन मास है, ओके। उसके बाद में इसका निकालते हैं ग्राम मोलेक्यूलर मास। तो फॉर नाइट्रोजन इट इज 14 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 32 ना हुआ, ये होगा हमारे पास में 5 प्लस 9 एंड 4 51, ठीक है 214, 5 प्लस 2 प्लस 4 क्या हो गया 7 1 4 7। पक्का सही है, मैंने मैथ्स लगा लिया आज, सही है। तो मेरे पास मोल कितने हो गए, इतने, क्लियर। तो इनिशियल मोल कितने हो जाएंगे बेटा, इनिशियल मोल रहेंगे मेरे पास 3.06 अपॉन 51, और यहां पे ये जीरो, ये जीरो। अब इक्विलिब्रियम में 27 डिग्री पे क्या हुआ भाइयों बहनों, यहां पे 30 डिग्री ऑफ सॉलिड डिकम्पोज हुआ, मतलब x की वैल्यू कितनी है 30% ऑफ इनिशियल, कितनी है बेटा 30% ऑफ इनिशियल, 30% ऑफ 3.06 अपॉन 51, यही तो है 30% ऑफ व्हाट, 3.06 इंटू 51, 30% ये लो। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लगाना ही पड़ेगा, वो तो आपको पता है, कॉमन सी तो 0.3 आ जाएगा। तो यहां पे ये तो बचेगा 70%, और मजे की बात ये, आई डोंट इवन केयर अबाउट दिस बिकॉज ये तो सॉलिड है, इसको काहे छेड़ेंगे, हम करेंगे सारा का सारा टॉकिंग कॉफी विद करण इनके साथ में। यहां पे ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51, और ये कितना होगा 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51। क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या कुछ बचा हुआ है, क्या कुछ भी बचा हुआ है क्या? बिल्कुल बचा हुआ है, ये तो हम लोगों ने मोल्स निकाले हैं, इनके एक्टिव मासेस की बात की जाए, मतलब कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या, इनके वॉल्यूम से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगा इस चीज को, ठीक है। तो केसी के लिए क्या करना पड़ेगा, केसी फॉर दिस रिएक्शन विल बी के, ठीक है ये रहेगा, बात समझ में आ गई। इसका ये मतलब आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51 बाय 2, ये तो है आपका अमोनिया, और सिमिलरली क्या रहेगा 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51 बाय 2, ये क्या रहेगा आपका, बताइए ये क्या रहेगा आपका, अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे 0.3 इंटू 3.06 अपॉन 51 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं, आपको पता है मेरी मैथ्स कितनी अच्छी है, मैं बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूं। आपका वहम है, अगर आपको दिख रहा है कि स्क्रीन पे कैलकुलेटर खुला हुआ है बेटा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, आपका वहम है वो।
ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय के आया हमारा, तो इसको वापस से 24 कर देता हूँ, तो ये आया हमारा 0.00324 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा 324 बाय 4 2, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व किया जाए क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है 2, 4 डिवाइड बाय 4 81 इंटू 10 पावर माइनस 6 बन रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ये आपके केसी की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी मैथ्स यूज कर सकते हैं। आपको फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे यूट्यूब पे कभी कभी कुछ ग्लिच आता है, आपको लग रहा होगा कि दीपक सर ने कैलकुलेटर यूज किया है, मैं कभी यूज नहीं करता। अभी स्क्रीन पे कुछ दिखा हो आपको भी यहाँ पे कैलकुलेटर, मेरा माइंड इतना फास्ट है कैलकुलेटर क्यों यूज करूंगा। ठीक है, तो 81 × 10 पावर माइनस 6 आपका क्या आ गया है, केसी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये मेरे केसी की वैल्यू आ चुकी है 81 × 10 पावर माइनस 6। क्वेश्चन पे वापस चलिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है केसी एंड केपी की वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। मेरा तो सरेंडर है जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं केसी की वैल्यू से केपी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, कृपया करके बताइए केसी की वैल्यू से केपी की वैल्यू कैसे निकालू, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कुछ भी प्रेशर वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा है भाई, प्रेशर नहीं दे रखा तो फिर मैं कैसे करूंगा इसको। तो प्लीज मुझे, मैं यहीं पे वीडियो को पोस्ट करवाता हूं आपसे, वीडियो को पोस्ट कीजिए और मुझे जरा बताइए कि इसमें केपी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ये तो केसी की वैल्यू निकाल दी मैंने, पर मुझे केपी की वैल्यू कैसे निकालनी है, प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में उसका कोई तरीका सुझाइए मुझे, प्रभु मेरा पथ प्रदर्शित करें। वेट कर रहा हूं, हालांकि जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो मैं तो वेट कर ही नहीं पाऊंगा इतना तो। ठीक है चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ईमानदारी से इसका आंसर दिया होगा, करना तो ये आपको ही है वैसे भी। तो केपी का मतलब होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, और यहां पे डेल्टा एन कितना है, कितना है यहां पे डेल्टा एन बताइए, 2। समझ में आ गया, डेल्टा एन यहां पे कितना है सोचो जरा, सोचो डेल्टा एन यहां पे कितना है 2। ठीक है, कितना है यहां पे 2, बात समझ में आ गई, डेल्टा एन कितना रहेगा यहां पे 2। चलें आगे, अब इससे आप लोग क्या निकालेंगे, केपी की वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट टू में पूछा हुआ है, पार्ट टू में जो पूछा हुआ है सबसे पहले तो उसका आंसर ले लो, नो चेंज, द आंसर इज नो चेंज, आंसर क्या रहेगा बेटा, नो चेंज। अब क्वेश्चन वापस चलो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दीपक सर ने इतना बढ़िया तरीके से आंसर बता दिया, बट दीपक सर बता नहीं पाए ये क्वेश्चन क्या। तो क्वेश्चन बेटा ये था, व्हाट वुड हैपन टू द इक्विलिब्रियम व्हेन मोर सॉलिड NH4HS अमोनियम बाइसल्फाइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लास्क। ठीक है, नो चेंज, रीजन क्योंकि इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, अमोनिया की और H2S की। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट एस्टेब्लिश हो चुका है तो इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क पड़ता है इनकी कॉन्सेंट्रेशन से, इनके प्रेशर से, यही हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे अभी लास्ट अटेलियर प्रिंसिपल के अंदर। आई होप यहां तक में कोई डाउट नहीं है, अगर ये इनिशियल चेंज करता, इनिशियल ही चेंज करता, तब मुझे लगता कि अब मुझे क्वेश्चन को दोबारा से करना पड़ेगा, बट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद में आप कुछ भी करो, कुछ भी सॉलिड वहां पर डालो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिशमेंट में, वापस से देखो मैं 10-10 बार बोल रहा हूं इस लाइन को, कि इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिशमेंट में या इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने के बाद में सॉलिड का वहां पे कोई रोल नहीं है, मतलब अमोनियम बाइसल्फाइड का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहेगा, इसीलिए हमें इससे नहीं परवाह करनी है,
हमें बात या हमें फोकस किसके ऊपर करना है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया की वैल्यू पे, और साथ में हमें फोकस करना है H2S की वैल्यू पे या उनके एक्टिव मासेस पे। आई होप यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज और प्लीज और प्लीज और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है बेटा, स्लो करना है, प्रैक्टिस करते हुए करना है, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं और अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आपको थोड़ा सीरियसली इनकी लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे पुट अप किए हैं। आपको ये लैंग्वेज समझनी है ध्यान से। जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़िए, फॉर अ गैस रिएक्शन 3H2 प्लस N2 गिव्स यू 2NH3, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ H2 एंड N2 आर 0.4 एंड 0.8 atm respectively. The total pressure of the entire system is 2.8 atmosphere. What will be the value of Kp if all the concentrations are given in the atmosphere? So, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 3H2 N2, ये सब gaseous phase में है तो मैं बार बार उसको repeat नहीं करना चाहता। यहां पे ध्यान से देखिएगा, इनके partial pressures आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और ये अब देखो यहां पे समझने वाली चीज नंबर एक, कि जो ये इनके पार्शियल प्रेशर्स आपको दिए हुए हैं ये कहां है। मैं आपको दो चीज लिख रहा हूं, क्या ये यहां पे है, क्या ये यहां पे है। सोचो एक बार कि जो पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए हैं ये 0.4 है और ये 0.8 है बेटा, तो ये कहां पे गिवन है, सोच के बताओ जरा ये कहां पे गिवन है। क्या ये टी इक्वल टू जीरो पे है या क्या ये टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाला जो फिनोमिना है उस जगह पे गिवन है। इसका करेक्ट आंसर ये है कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर्स ऑफ H2 एंड N2 आर दिस, टोटल प्रेशर इज 2.8, मतलब ये कहां पे गिवन है बेटा, ये हमको गिवन है टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, ना कि टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और वहां पे क्या दे रखा है हमको, पी टोटल जो कि कितना है बेटा 2.8 atm। ओके, अगर आप इसको समझें तो ये वाली अप्रोच तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे जो आप यहां पे लिखने वाले हैं, कि आप ऐसा लिखें 4 माइनस 3x 0.8 माइनस x और फिर ये बन गया 2x। ये अप्रोच अगर आप लगाओगे तो क्या होगा, तो क्या हमारा आंसर सही आएगा, क्या हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, हमें एक सिंपल सी अप्रोच लगानी है, जो पार्शियल प्रेशर और पी टोटल का जो एक्चुअल में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, कि पी टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं करते उनके प्रेशर के सम के बराबर होता है। यही तो रिएक्शन है बेटा, यही तो उनके बीच में रिलेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे पी टोटल विच इज 2.8 इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.8 प्लस प्रेशर ऑफ NH3, ये लिखेंगे। तो यहां से प्रेशर ऑफ NH3 कितना निकल के आएगा बेटा, ये आएगा 2.8 माइनस 0.4 प्लस 0.8। अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 atm। ठीक है, तो 0.4 इसका है, 0.8 इसका है और 1.6 atm इसका है, कहां पे, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इसके लिए केपी निकालना चाहेंगे तो केपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, केपी का फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पी ऑफ H2 का क्यूब और यहां पे P of N2 का स्क्वायर, माई बैड N2, यही बनेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो KP की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.8। लेट मी चेक द वैल्यूज वन मोर टाइम। ठीक है, यही है। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ लगा दिया 10 की पावर 4। ठीक है,
इन सब के जो डेसिमल्स है वो कैंसिल आउट हो गए, अपॉन ऊपर के डेसिमल्स के लिए हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे 10 की पावर 2। ओके, सिंपल मैथ चल रही है तो ज्यादा इसको देखना नहीं है, इसको इसको कैंसिल आउट किया, इससे इसको इसको कैंसिल आउट किया, इससे कितना आया 2 × 10⁴ अपॉन 4 × 10⁵। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 2 × 10⁴ अपॉन 4। तो ये आ गया 200/4 और सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 50 का आंसर है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 50। अब साथ के साथ लगे हाथ आप इसकी यूनिट भी चेक करते हैं, यूनिट करेंगे तो क्या आ जाएगी, यूनिट आएगी इसकी 50 upon ATM square। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केपी या डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो उस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, केपी की वैल्यू या केपी की यूनिट कितनी निकल के आएगी, केपी की यूनिट निकल के आएगी अपॉन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझने वाली बात वापस से यही है कि आप ये वैल्यूज कहाँ कंसिडर करते हैं। अगर आप इसमें वैसा करते हैं 0.4 − 3x, 0.8 − x और उसके बाद में 2x, तो क्या बनता देख लो एक बार। तो हमारे पास में वैल्यू आती 0.4 − 3x, 0.8 − x प्लस 2x इक्वल्स टू कितना हो रहा है 2.8। तो 0.4 प्लस 0.8 तो कितना हो गया बेटा 0.4 प्लस 0.8, ये हो जाएगा हमारा 1.2। 1.2 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना हो रहा है बेटा 2.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 2.8 इक्वल्स टू 2x। अब आप खुद भी समझदार है इतने तो, कि प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहां से हम प्रेशर्स नहीं निकाल सकते, प्रेशर निकालने के लिए हमको क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और वापस से उसी तरीके से प्रोपोगेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक टेम्परेचर दिया हुआ है 817 डिग्री सेल्सियस, केपी निकालना है आपको, केपी फॉर द रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड एक्सेस हॉट ग्रेफाइट सॉलिड इज 10 ATM। केपी की वैल्यू कितनी है, पहले लिख लेते हैं साइड में, केपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 ATM। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस एट 817 डिग्री सेल्सियस एंड अ टोटल प्रेशर ऑफ 5 ATM। तो सबसे पहले स्टेप तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वो रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन आपको या तो उस प्रीवियस स्लाइड में मिलेगी, आपको याद करनी पड़ेगी कि जब कार्बन जो सॉलिड है उसके साथ में आप CO2 को रिएक्ट करवाते हो तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह है आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है कि यहां पे केपी की वैल्यू है 10 ATM, हमने मान लिया, हमने बोला अच्छा ठीक है जी, केपी की वैल्यू कितनी है यहां पे 10 ATM है। अब आगे देखते हैं, आगे यहां पे वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है 5 ATM। तो 5 ATM में क्या इसका कोई रोल रहेगा, क्या इसका कोई रोल रहेगा 5 ATM के अंदर? आंसर है नहीं, इसका कोई भी रोल 5 ATM के अंदर तो नहीं रहने वाला, बिल्कुल नहीं रहने वाला। हमारा जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 ATM जाएगा वो जाएगा इसमें से और इसमें से। मान लेते हैं कि ये एक्स बना, कितना बना एक्स, ठीक है, अगर ये बना एक्स मतलब कि बना एक्स तो वो 2x से हो जाएगा। हमेशा मानते हैं कि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर मिला के कितना हो रहा है 5 ATM। ठीक है, 5 ATM टोटल प्रेशर हुआ ना, तो वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये है इनके पार्शियल प्रेशर्स, ये कॉन्सेंट्रेशन से नहीं हो रही है तो मैं 2x से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये कॉन्सेंट्रेशन वाली बात नहीं है अभी। जब हम इनके एक्टिव मासेस की बात करेंगे तब भले ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म मतलब वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अभी हम एक्टिव मासेस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर्स की, मतलब कि CO का पार्शियल प्रेशर प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 5 atm। यही तो लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे मिला के कितना हो रहा है, 5 atm। तो हमने माना इसका एक्स, तो पहले तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं, एट इक्विलिब्रियम ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 5 - x। देख लो सम करके देख लो कितना आ रहा है, 5 atm आ रहा है। चलिए फिर, तो फिर केपी की वैल्यू क्या बोलती है बेटा, केपी की वैल्यू बोलती है पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे 2 लगेगा बिकॉज यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, तो फॉर्मूला तो ऐसे ही लिखते हैं, अपॉन पी ऑफ सीओ टू, इस पे कुछ नहीं लगेगा। इसकी वैल्यू क्या बन के आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 - x। ये है आपका केपी, क्या आ गया बेटा केपी, ये आ गया। तो केपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 5 - x। ठीक है, ये हम कर क्यों रहे हैं, वापस से चलो यहां पे, मैंने इतना सारा क्वेश्चन कर दिया, अब दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि क्वेश्चन को किया क्यों जा रहा है, इस तरीके से कर क्यों रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसका एक सिंपल सा आंसर ये है बेटा कि मुझे टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस टेम्परेचर की हेल्प से मैं प्रेशर की वजह से, प्रेशर की हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा कौन सा रिलेशन आ गया दीपक सर कि आप प्रेशर की हेल्प से और टेम्परेचर की हेल्प से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो? अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहां से अगर आप देखोगे तो एन बाय वी इक्वल्स टू पी बाय आर आर टी। एन बाय वी मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या हो जाएगी, प्रेशर अपॉन आर टी। और ये प्रेशर कैसा है बेटा, ये प्रेशर टोटल प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर है उस करस्पोंडेंट गैस का या एलिमेंट का या कंपाउंड का, तो मतलब इसको क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, इसीलिए हमें सारा कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग क्या निकाल सके इनके पार्शियल प्रेशर, और उससे हमें क्या मिल जाएगा फिर आगे जाके हमारी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 × 5 - x, यही बन रहा है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x माइनस 50, यही बन रहा है ना, 50 - 10x, ये इधर आएंगे, ये बन गया। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य मेथड, जो आप क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए लगाते हो, उसमें हम लोग लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे दीपक सर को ये कहां से आता है, अरे भैया आता है, थोड़ी बहुत मैथ्स तो मैं भी जानता हूं, मैं भी तो 10th करके आया हूं यार। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना मतलब हल्के में ले देते हो मुझे, दीपक सर ने तो कैलकुलेटर खोल लिया, खोलता हूं क्योंकि मुझे जल्दी करना है, मैं रिकॉर्डिंग में जब मैं यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहा हूं तो मैं क्या उसमें रिकॉर्डिंग में ये कैलकुलेट करता फिरूंगा, मैं बहुत स्मार्ट हूं। तो मैं क्या करता हूं यहां पे इस तरीके सॉल्व करता हूं इसको, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है बेटा, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 माइनस माइनस, और यहां पे एसी में से भी माइनस आ रहा है, तो ये 4 × कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, 4 × ए की वैल्यू कितनी है 1 × सी की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन कितना करेंगे बेटा 2 × ए, वो कितना हो जाएगा, वापस से 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 300 का रूट अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प चाहिए होगी, अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प लगाऊं तो 225 का अंडर रूट कितना होता है, 225 का अंडर रूट होता है, लेट्स गो विद द 16 का कितना होगा, 16 × 6, तो 6 हो रहा है ये, तो भी नहीं कर सकते, लेट्स गो विद 17 8 9 ओके
लेट्स गो विद द 19-1. 19 के साथ जाएंगे क्या? 19 के साथ जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? हाँ नहीं, मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस से कैलकुलेटर के हेल्प लूंगा। मेरे ख्याल से इसका अंडर रूट लगभग 19 के आसपास जाएगा, तो कैलकुलेटर साहब क्या बोलते हैं, लेट्स टॉक टू देम। क्या कैलकुलेटर में ऐसा कोई फंक्शन था? हाँ था। मुझे यार मतलब लगता ही नहीं है कि मैं 17.32, मैं बोल रहा था आपको 17.32 के आसपास जाएगा ये, मानते ही कहाँ है आप लोग। तो 17.32 इसका निकल के आया। अब हमने क्या किया, पहले तो इसकी वैल्यू ली नेगेटिव में। अब यहाँ पे एक और चीज समझने को आपको मिलेगी, देखना बहुत मस्त मजा आने वाला है। एक्स की वैल्यू दो आ सकती है, पहला तो क्या आएगा -10 -17.32 डिवाइड बाई 2, और एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है -10 +17.32 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है माइनस का 27.32 डिवाइड बाय 2। ये कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 7.32 डिवाइड बाय 2। वेट करो एक मिनट, क्या कभी भी आप कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव में ला सकते हैं क्या? बहुत सिंपल सी चीज है कि क्या प्रेशर की वैल्यूज नेगेटिव में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। क्या नहीं आ सकती, तो फिर नहीं मिलेगी। क्या ये सच है कि प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती है? नहीं आ सकती है, और नहीं आ सकती है तो फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7.32 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.32 डिवाइड बाय 2, जो आप सॉल्व करने पे देखेंगे 3.66, 3.66 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमने एक्स किसको माना है, सोचने वाली बात हमारे लिए है मित्रों, कि एक्स किसको माना गया है। एक्स माना गया है कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्या माना गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो पीसीओ कितना हो जाएगा, पीसीओ कितना है 3.66। तो पीसीओ2 कितना हो जाएगा, पीसीओ2 हो जाएगा हमारा 3.5 -3.66 किया जाए तो ये आ जाएगा 1.34। ठीक है, 3.66, हाँ तो 1.34 आ गया। ये पीसीओ एटीएम में आ जाएगा और ये भी सीओ2 भी एटीएम में आ जाएगा। अब वापस से हम लोग जाएंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की शरण में। चले, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये पी सीओ के लिए लिख रहे हैं हम लोग इक्वल्स टू एनआरटी, तो यहां पे एन बाई वी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ2। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 या CO, अगर हम CO की निकाल रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, PCO अपॉन RT। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऑफ CO2 कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी PCO2 अपॉन RT। R की वैल्यू हम लोग मान के चलेंगे 0.0821, T की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 817 +273 करके, और ये आएगी हमारे पास में 1090 केल्विन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि 3.66 लिया, 3.66 डिवाइड बाय 0.0821 इनटू 1090 किया, और यहां पे आप करेंगे 1.34 अपॉन 0.0821 इनटू 1090, और आपके पास दोनों कॉन्सेंट्रेशंस के आंसर आ गए। इसको और कैसे बढ़ा सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ केसी। तो आप वापस से क्या करेंगे, इससे इसके बेसिस पे केसी वहां पे निकाल के रख देंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अगला न्यूमेरिकल जो आपको फिर से थोड़ा दिमाग खोलेगा। न्यूमेरिकल बोलता है कि अ वेसल 1000 केल्विन कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 एटीएम। सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.08 atm. तो बेटा वापस से रिएक्शन तो वही है हमारे पास में, रिएक्शन ये रही, मैं इसको फिर से लिख देता हूं कि ये रिएक्शन आपको बता रही है ये चीज, ठीक है बेटा। अब वो बोल रहा है कि 0.5 atm पे ये थी और 0.5 atm से कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, तो क्या इसका कोई रोल है क्या इसके अंदर? तो क्या होगा इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे ये कितना है सिर्फ 0.5 और ये कितना है जीरो। अब क्या हुआ इक्विलिब्रियम के समय, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम 0.5 माइनस x और ये कितना हो जाएगा 2x। यहां पे देखिए ना, अब ये पार्शियल प्रेशर वाला सवाल नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट पार्शियल प्रेशर एनीमोर, दिस इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स अबाउट द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज देयर, कितना है 0.5 atm। ओके, अब 0.5 atm से कितना बनेगा x बन रहा है। अब यहां पे देखो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर यहां पे निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा हमारा 0.8 atm। हमको क्या निकालना है, केपी निकालना है, तो हमारा क्या हो रहा है p टोटल कितना है बेटा, वो है 0.8 atm, ठीक है, और 0.8 atm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5 माइनस x प्लस 2x, ठीक। तो यहां से हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी यहां से 0.3 atm। यू कैन चेक फॉर yourself, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.3 atm। ओके बेटा, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे लिए 0.3 atm। यहां तक में कोई डाउट है क्या, समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार, पॉज करके आराम से देख लीजिए x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 0.3 atm। अब अगर आगे देखो तो इस इक्वेशन को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा t इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाले के हिसाब से, मतलब जब इक्विलिब्रियम पे चल रहा था तब क्या हुआ। तो बेटा अगर x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू आ रही है हमारी 0.3 atm, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, p CO2 कितना रहेगा बेटा 0.5 माइनस पॉइंट Which is 0.2 atm, ठीक है। इसी प्रकार से p कार्बन मोनोऑक्साइड कितना रहेगा हमारा 2 into 0.3 which is 0.6 atm, ओके। अब kp कैसे लिखा जाएगा, kp लिखा जाएगा इस तरीके से p कार्बन मोनो का स्क्वायर अपॉन p CO2, यही तो है एक्टिव मासेस इनके। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0.6 into 0.6 अपॉन ये कितना है बेटा 0.2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां आया पॉइंट, यहां पे आएगा 3, और आंसर आ गया 1.8 atm। आंसर कितना आ जाएगा इसका 1.8 atm। यहां से भी मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूं, ठीक है, कंफ्यूज कैसे किया जाए आपको बताओ, मुझे समझाओ कि क्या मैंने इसकी यूनिट सही लिखी है क्या, बताओ क्या मैंने इसकी यूनिट सही लिखी है क्या। आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो, आप लोग क्लास देख रहे हैं, तो आप इसकी मुझे समझाइए कि क्या इसकी यूनिट मैंने सही लिखी है क्या। देखिए उसको समझने का भी एक तरीका है, यहाँ पे हम लिखते हैं ये स्क्वायर है तो atm इंटू atm अपॉन में सिर्फ atm है तो ये atm, तो कैंसिल आउट करेंगे क्या बचा है यूनिट में, क्या आ जाएगा atm आंसर। चलें आगे, अब बेटा स्वागत करो हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, जो है ला शटेलियर प्रिंसिपल, या ला शटेलियर प्रिंसिपल जो दो लोगों ने दिया था, शटेलियर एंड ब्रॉन ने। ये फ्रेंच केमिस्ट्स से, इन्होंने कुछ जनरलाइजेशन किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ हिट एंड ट्रायल किए, और इन्होंने समझाया कि इक्विलिब्रियम पे, कहां पे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है। व्हेन अ सिस्टम इज इंपैक्टेड ड्यू दीज थिंग्स लाइक
कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, तो क्या फर्क पड़ेगा और क्या इक्विलिब्रियम की स्टेटस रहेगी? ध्यान से पढ़ते हैं, व्हेन अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन वन ऑफ दीज फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉन्सेंट्रेशन नंबर वन, टेम्परेचर नंबर टू, टेम्परेचर और प्रेशर नंबर थ्री, जब भी किसी सिस्टम पे, जब भी किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पे इन चीजों में से किसी चीज की वजह से, इनमें से किसी भी चीज की वजह से चेंज आना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल होगा। और ऐसी कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, मैंने आपको सिखाया था QC और K की लड़ाई, मैंने आपको दिखाई थी Q और KC की लड़ाई, मैंने आपको दिखाई थी वहां पे के साथ ही साथ, जब वो एक बहुत ही कंजूस आदमी है, साथ ही साथ वो कैसा भी है, बहुत ही ग्रेटफुल भी है, बहुत दयालु भी है, वो QC को खींच भी लेता है और QC को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो ये वही होना है, यहाँ पे भी वही होगा कि जब भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाएगा, इक्विलिब्रियम अपने आप को वापस से क्या करेगा, रीएडजस्ट करेगा ताकि वो फटाफट से पहुंच जाए इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। कैसे करेगा, सपोज करो कि इक्विलिब्रियम को आपने इधर खिसका दिया, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम कैसे कर देगा पीछे की तरफ, ताकि जो उसमें चेंज आया सिस्टम उसको एडजस्ट कर दे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन से शिफ्ट हुआ, तो वापस से कुछ ऐसा करेगा कि इक्विलिब्रियम की जो प्लेसमेंट को डिस्प्लेस किया गया था, जो उसकी पोजिशन को डिस्प्लेस किया गया था, वो वापस से सेम हो जाए। ये है पावर ऑफ इक्विलिब्रियम, ये है पावर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। इसका जो जनरलाइजेशन प्रिंसिपल है वो कौन क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं ला शतेलियर प्रिंसिपल, जो बोलता है चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, फिर इनर्ट गैस भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। तो सिस्टम विल शिफ्ट इन सच अ मैनर कि जो भी हम लोगों ने इफेक्ट लगाया उसको या तो वो काउंटरैक्ट कर देगा या फिर वो उसको रिड्यूस कर देगा। सिस्टम सिस्टम क्या करेगा, वो जो भी अपने इफेक्ट लगाया है उसको उल्टा करने का ट्राई करेगा ताकि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को वापस से ले सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम केमिस्ट्री को जब समझते हैं उसको समझने के लिए, जो केमिकल रिएक्शन हम समझते हैं उसको समझने के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाने के लिए, किसी प्रोडक्ट की यील्ड को कम करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टेबल आपके सामने आ रही है अब जो आपको क्लियरली समझाएगी। इसमें चार कॉलम दिए हुए हैं, पहला कॉलम क्या है, चेंज इंपोज्ड ऑन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे आप क्या चेंज लगाने वाले हो, या तो आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, या प्रेशर चेंज करोगे, या टेम्परेचर चेंज करोगे, या फिर किसी कैटलिस्ट को वहां पर डाल दोगे, ठीक है। उसका इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या असर पड़ने वाला है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ने वाला है, और उसके बारे में कुछ और रिमार्क भी है क्या। ये चार चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के लिए हम लोगों ने लिया है एक जनरलाइज्ड केमिकल रिएक्शन, ए ए प्लस बी बी गिव्स यू रिवर्सिबली सी सी प्लस डी डी। यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू हम लोगों ने जनरलाइज मानी है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। हमने ये नहीं कहा डेल्टा एन पॉजिटिव है या डेल्टा एन नेगेटिव है, वो अब हम बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर है, यहां तक का कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये आपकी टेबल है, इसको चबा जाना है, बिल्कुल चबा जाना है। पहला चीज हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या बी या दोनों, ठीक है। या तो मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, या मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, या मैंने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। तो देखना इस कंडीशन में जब मैंने ये लिखा ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, ठीक, ये लिखी हुई रिएक्शन, जब मैंने इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा, केसी की वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो क्या करेगा अपने आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ाने से क्या होगा, सी और डी की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ए और बी की वैल्यू बढ़ रही थी क्योंकि मैंने उसमें नया नया ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन डाला था, अब क्या होगा बेटा, ये शिफ्ट होगा, कौन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आगे की तरफ, ताकि कौन सी रिएक्शन ज्यादा हो पाए, बताइए कौन सी रिएक्शन ज्यादा हो पाए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाली किसकी, प्रोडक्ट्स की, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि केसी, मतलब केसी जो बढ़ेगा वो सी और डी की वैल्यू से बढ़ता रहेगा, यानी कि
पहले जो ऐसे हो रहा था और ये ऐसे हो रहा था, वो ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा और देखो क्या आ जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वापस समझ लो एक बार, अगर मैं ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के रखता हूं तो क्या हो जाएगा, केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज केसी की वैल्यू क्या होती है, सी डी अपॉन ए बी। अगर मैं ए बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम नहीं चाहता कि केसी की वैल्यू में कोई चेंज आए, तो वो क्या करेगा, केसी की वैल्यू में कोई चेंज ना आए इसके लिए वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा आगे की तरफ, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज कर देगा। और देख लो जैसे रिएक्शन राइट में जाएगी केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और केसी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब इक्विलिब्रियम वापस से स्टार्ट हो गया। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जब जब रिएक्टेंट्स की आप अमाउंट बढ़ाओगे प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर पहले 10 किलोग्राम बर्न कर रहे थे अब 20 करो तो फिर 20 किलोग्राम के हिसाब से सब्सटेंस बनेगा वहां पे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की अमाउंट अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ये सबसे बेसिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो टेक्निकली प्रूव किससे होता है, ला शैटेलियन प्रिंसिपल से प्रूव होता है। सेकेंड समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और डी को इंक्रीज कर दिया जाए। अब क्या होगा, जब आप इधर से सपोर्ट लगा रहे हो मतलब कि ये गरीब महसूस कर रहे होंगे, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी थोड़ी कम पड़ रही होगी, तो वो इसको इंक्रीज कर देगा। उसका मतलब क्या है, उसका पर्पज है, एकमात्र पर्पज है उसका कि मेरे को जितना ट्राई करना है मुझे केसी की वैल्यू चेंज नहीं होने देनी, मुझे केपी की वैल्यू चेंज नहीं होने देनी। मैं ट्राई करूंगा, इक्विलिब्रियम ट्राई करता है कि मेरे कॉन्स्टेंट को कोई टच ना कर पाए। ये मेरा बच्चा है, इसकी मैं फुल प्रोटेक्शन करूंगा, मैं इसके लिए जेड प्लस सिक्योरिटी लगा दूंगा, तो लगा दी उसने। जैसे ही सी और डी की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करोगे, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम था उसकी वैल्यू बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, वो पसंद नहीं आएगा किसको, इक्विलिब्रियम को। वो क्या करेगा, इसको नॉर्मलाइज करने का स्टार्ट करेगा, और नॉर्मलाइज करने का तरीका सिर्फ एकमात्र है कि ए और बी की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसलिए रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में, याद रखिएगा इस चीज को। तो जब भी आप सी और डी की जो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, या तो सी की बढ़ाओ या डी की बढ़ाओ या फिर दोनों की साथ में बढ़ाओ, तो रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड में, ताकि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसा रह जाए, नो चेंज। ठीक है, अब आएगा मजा, प्रेशर को इंक्रीज कर देना। क्या कर देना, प्रेशर को इंक्रीज कर देना। अब देखो इसमें तीन केस बनते हैं। पहला, अगर डेल्टा एन इक्वल टू जीरो है, ठीक है बेटा, तो इस केस में तो आप प्रेशर को कितना भी ऊपर नीचे करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, डेल्टा एन तो जीरो है, न तो रिएक्टेंट्स की मोल ज्यादा है न प्रोडक्ट की मोल ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझना सेकंड चीज, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हो गया, मतलब कि डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तब क्या होगा। डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होने का तरीका क्या है, जैसे कि आप ये रिएक्शन देखो, आप रिएक्शन देखो ये वाली PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, यही है। तो अगर इस कंडीशन में आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाओगे, यहां पे ऑलरेडी भीड़ ज्यादा है, देखो यहां पे रिएक्टेंट की साइड पे एक, प्रोडक्ट की साइड पे दो, समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब एक इसका प्रेशर और एक इसका प्रेशर। अब आप वापस से प्रेशर बढ़ा रहे हो, मतलब कि भीड़ इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है, सोचो। अगर हम मोल्स को भीड़ से कैलकुलेट कर लें या कंपेयर कर रहे हैं, तो भीड़ ज्यादा किधर है, रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में भीड़ ज्यादा है। अब इस कंडीशन में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो और कंजेस्टेड होगा, नहीं होगा, कहां पे, इस साइड पे, तो वो इस साइड का जो कंजेशन है उसको कम करना चाहेगा, और कम करने के लिए वो किधर भागेगा, पीछे की तरफ। तो जब आपको डेल्टा एन पॉजिटिव की रिएक्शंस मिले और उनमें प्रेशर बढ़े, उनमें क्या बढ़े, प्रेशर बढ़े, मतलब भीड़ में और कंजेशन बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ भगाना स्टार्ट कर देगा। देखो ये लिखा हुआ टू लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड में आ जाएगा। अच्छा, इसी रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, समझ रहे हो आप बात, इसी रिएक्शन में अगर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इसी रिएक्शन में अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, आगे की तरफ, क्योंकि भीड़ कम हो रही है, भीड़ कम हो रही है मतलब उसको पसंद नहीं आएगा, वो हर बार उल्टा काम करेगा। आप बोलोगे दाएं घूमो, बाएं घूम जाएगा,
वो एक ऐसा इनडिसिप्लिन बच्चा है जिसको आपकी बात नहीं माननी है, उसको आपकी हर बात का उल्टा करना है। आप जो बोलोगे, आप बोलोगे दिन, वो बोलेगा रात। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसने क्या करा, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे पीछे जाना है। तो आपने प्रेशर कम किया, नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे आगे जाना है, मुझे प्रेशर और चाहिए। तो जो भी आप इफेक्ट लगाओगे उसका उल्टा करता है वो, ताकि उसको बैलेंस आउट कर दे। अब तीसरा कंडीशन, कि अगर वहां पे डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि रिएक्शन मैंने आपको दे दी, ये तीसरा कंडीशन मैंने लिखा आपको यहाँ पे, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, नेगेटिव कर दी। जैसे कि रिएक्शन ये रही, N2+3H2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप प्रेशर बढ़ाओ, भीड़ ज्यादा किधर है, इधर की इधर, इधर है तो ये यहां तो रहेगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम यहां तो रहेगा ही नहीं, वो कहां जाएगा, आगे की तरफ। देखो लिखा हुआ है टू राइट। इसीलिए हेबर्स प्रोसेस को करने में, जब आपको अमोनिया का अमाउंट ज्यादा चाहिए तो आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, 2 ATM, 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM, 10 ATM तक प्रेशर बढ़ा दोगे आप, 20 ATM तक प्रेशर बढ़ा दो, मतलब जब तक वो चेंबर फटे ना, आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, किसकी यील्ड बढ़ती जाएगी, यील्ड का मतलब किसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, अमोनिया का, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन क्या है, नेगेटिव। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला समझो, अगले में और मजा आएगा। ठीक है, अगला समझो। अब यार यहाँ पे एक बात समझनी है आपको बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, स्पेशली कैसी तो है इसे टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो वहां पे इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब तक जब मैंने प्रेशर चेंज किया तो कोई चेंज नहीं हुआ, अब जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो कोई चेंज नहीं हुआ कैसी की वैल्यू में, लेकिन 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 अगर मैंने टेम्परेचर को हाथ लगाया तो क्या पता कैसी की वैल्यू चेंज हो जाए, उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डीएच का मतलब है डेल्टा एच, ठीक है, डीएच का मतलब क्या है, डेल्टा एच। आई होप ये क्लियर हो चुका है सभी को। ठीक है, अब मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, A+B रिवर्सिबल, C+D। इसको मैं बता रहा हूं कि ये कैसी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहां पे देखो, A+B रिवर्सिबल, C+D, इसको मैंने चेक किया, ये कैसी है, एंडोथर्मिक। अब दोनों जगहों पे बेटा हमको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है। तो सबसे पहली बात तो यहां पे इन इसमें ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मुझे बताओ टेम्परेचर कहाँ लिखना चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में, इस रिएक्शन के लिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें टेम्परेचर का साइन कहाँ लगाना चाहिए, इस साइड पे या उस साइड पे, सोच के बताइए। बिल्कुल सही, यहां लगेगा, यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे ये सब हर टीचर का तरीका यही है समझाने का, हर टीचर आपको यही तरीके समझाता है कि यहाँ पे, हर टीचर का एक ही तरीका है समझाने का कि यहाँ पे इसको टी को आप मान लो आग लगी हुई है यहाँ, मतलब यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। ठीक है, अब जब आप किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब पहले ही वहां गर्मी लगी हुई है, भट्टी लगी हुई है टेम्परेचर के लिए, आप और बढ़ाओगे तो क्या इक्विलिब्रियम आगे की तरफ जाएगा क्या, नहीं। अब यहां जब ये पहले से अवेलेबल है तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, पीछे की तरफ। देखो ये लिखा हुआ है कि व्हेन एवर यू इंक्रीज टेम्परेचर डेल्टा एच नेगेटिव के लिए, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कहां जाएगी, पीछे की तरफ। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होना चाहेगा, पीछे की तरफ, और असली में हो भी जाता है वो। ठीक है, और जब भी आप किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे किसके अंदर बताओ, किसके अंदर बताओ, किसके अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, तो वो फटाफट से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी, लेकिन किधर की तरफ जाएगी, लेफ्ट की तरफ। कहाँ जाएगी, लेफ्ट की तरफ। बात समझ में आ गई, लेफ्ट की तरफ वो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, यहां पे टेम्परेचर, आग कहाँ लगी हुई है, आग लगी हुई है रिएक्टेंट की साइड में, बिकॉज हमको यहाँ देनी पड़ती है, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, आगे की तरफ। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाना चाहेगा, आगे की तरफ। उसको पता है यहाँ पे तो ऑलरेडी टेम्परेचर की सप्लाई हो चुकी है, मैं यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, मेरा मुझे आगे जाना चाहिए। मतलब जब भी किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या देगा, आपको रिएक्टेंट्स देगा, लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट की तरफ। आपको सॉरी वो क्या देगा, प्रोडक्ट्स देगा। देखो ये लिखा हुआ,
राइट, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है। और यहां पे केसी की वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज बताइए, क्यों होगी इंक्रीज बताइए, क्योंकि अब इनकी वैल्यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में जनरल क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर अभी स्टार्टिंग में तो आपने ये कहा था कि वो केसी की वैल्यू को चेंज नहीं होने देना चाहता, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा था, यहां पे चेंज ना हो सके इसलिए वो शिफ्ट हुआ था, ठीक है। यहां पे चेंज ना हो सके इसलिए वो शिफ्ट हुआ था, ये भी ठीक है। लेकिन बेटा टेम्परेचर के केस में तो उसके शिफ्ट होने के बाद भी चेंज हो रही है ना। हमने जैसे देखा कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब टेम्परेचर पहले से गिवन था, और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो शिफ्ट हो गया, केसी को चेंज किए बिना वो शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही वो आगे शिफ्ट हो वहां पे वापस से क्या होगा, केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसने चाहा था, इक्विलिब्रियम वांटेड कि द वैल्यू ऑफ केसी डिड नॉट चेंज, तभी तो उसने जहां पे लगा हुआ था, जहां पे फैक्टर लगा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। लेकिन यही प्रॉब्लम हो गई कि मूव करने के बाद में भी वापस क्या हो गया, वो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। और ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि केपी और केसी, स्पेशली केसी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, सोचो एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो रहेगा पढ़ने के लिए वो ये है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। जब भी आप किसी कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन में डालोगे तो उससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ला शैटेलियर प्रिंसिपल पे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा, टाइम कम लग जाएगा। जो इक्विलिब्रियम 10 सेकंड पे अचीव हो रहा था, क्या पता वो 5 सेकंड पे आ जाए। मतलब कि जब भी आप किसी भी कैटलिस्ट को डालते हो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या करता है वो कैटलिस्ट, क्या करता है कैटलिस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, दैट्स इट। कैटलिस्ट क्या करता है, तो जो भी टाइम लगता है किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने में, जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम थोड़ा सा तेज अचीव हो जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है उनके बारे में बात करेंगे। पहला, एप्लीकेशंस टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली कौन सी है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, या फिर इसको बोल सकते हैं हेबर्स प्रोसेस। ये रिएक्शन जो दी जाती है उसमें सबसे पहली बात क्या है, इसका डेल्टा एन नेगेटिव है। यहाँ पे एक वॉल्यूम या एक पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से और हमें देता है 2 पार्ट ऑफ अमोनिया। साथ में यहाँ पे एनर्जी निकलती है। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। इसके लिए सबसे फीजिबल मतलब सबसे बेस्ट कंडीशन कौन कौन सी है बताओ, बेस्ट कंडीशन किसकी, अगर मुझे यहां से सिर्फ और सिर्फ आई वॉन्ट अमोनिया, आई वॉन्ट अमोनिया बोला जाए, मतलब कि मुझे क्या करवानी है, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करवानी है, कहां करवानी है, फॉरवर्ड मूव करवानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, डेल्टा एन नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रेशर बढ़ा दूंगा, हाई प्रेशर में यहां नहीं रहेगा, आगे जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है इस टाइम पे, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो ये हाई टेम्परेचर पे करनी है कि लो टेम्परेचर पे करनी है, डेफिनेटली ये करनी है हमको लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और साथ में हम क्या कर सकते, साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम इनका अमाउंट बढ़ाते रहें, समझ में आ गया, इनका अमाउंट बढ़ाते रहें। ये 3 कंडीशन तो हमको करनी है, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज है, क्योंकि एक टाइम बाद पता है क्या होगा, एक टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि जब अमोनिया बनती रहेगी, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गोज ऑन, तो ये वापस बैकवर्ड लग जाए, ये फायर बैकफायर कर जाए। इस कंडीशन में अगर आपको इसको फॉरवर्ड करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा किडनैप, किसका, रिमूवल ऑफ अमोनिया करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही अमोनिया को बना बना के आप निकालते रहोगे तो इक्विलिब्रियम को याद आएगा, अरे यहाँ तो शॉर्टेज चल रही है, किसकी शॉर्टेज चल रही है, अमोनिया की, बढ़ाओ प्रोडक्शन। अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब N2+3H2 का रिएक्शन बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली क्या बनती जाएगी, अमोनिया अमोनिया अमोनिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। These are the 4 favorable conditions
टू सिंथेसाइज अमोनिया फ्रॉम द हेबर्स प्रोसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू कैन रिमेंबर देम, यू कैन मेमोराइज देम. चले आगे. अगली रिएक्शन जो आपके सामने आ रही है वो है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन. ये भी किस तरीके की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब इन सबको छुपा देता हूं मैं, आप खुद बताइए क्या होगा इसका आंसर. पहली बात तो इसके लिए डेल्टा एन कैसा है, नेगेटिव है. दूसरी बात है कैसी एक्सोथर्मिक. डेल्टा एन नेगेटिव तो मतलब प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज. अगर इंक्रीज करोगे तो क्या बढ़ेगा, SO3 बढ़ता जाएगा. साथ में एक्सोथर्मिक तो टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कर दो डिक्रीज ताकि वो फटाफट से बनता जाए. और फिर क्या करना है इसका, यहां से आप रिमूवल करते चलो, रिमूवल करते चलो और साथ में इनको बढ़ाते चलो, तो क्या हो जाएगा वापस से SO3 का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. इस रिएक्शन को बैकवर्ड करने में क्या किया जाए, अगर आपको ये रिएक्शन बैकवर्ड करनी है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा लो प्रेशर, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में करना पड़ेगा आपको उसका हाई टेम्परेचर, और साथ में क्या करना पड़ेगा, डू नॉट रिमूव SO3 प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंटेनर. तो जिस तरह से आप उसको रखते चलोगे रिएक्शन इधर आती जाएगी. अगली रिएक्शन जो आप देख रहे हैं वो है नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने की. ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, प्लस लगाना था वो भूल गए, सॉरी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी. दैट्स एन एरर. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. यहां पे ध्यान से देखना इसको कि जब आप हाई टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. जब आप हाई टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा, NO का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. बिकॉज ये कैसी है एंडोथर्मिक, यहां पे टेम्परेचर पहले से लगा हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा. क्लियर हो गई चीज, वो आगे बढ़ेगा. ठीक है, अब इसके अलावा N2 और O2 का अमाउंट बढ़ाते हुए चलो तब भी ये हो जाएगा. और मजे की बात पता है क्या है, ये डेल्टा N0 है. डेल्टा N0 तो प्रेशर का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रेशर का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसलिए क्या होगा, ये हमें देगा, क्या देगा ये हमको, ये हमको देगा एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर इसको बढ़ाएंगे. आई होप ये क्लियर हो चुका है सभी को, इनको पढ़ लो ध्यान से, बहुत काम आएंगे. ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दो रिएक्शंस और देखेंगे के बाद में हम लोग आइस और वाटर की बात करेंगे. तो ये रिएक्शन देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू NO2. ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन पहली बात तो है एक्सोथर्मिक. ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, पहले तो जो इसमें लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं कि अगर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन इंक्रीज करना है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हाउ विल यू डू इट. सिंपल सा आंसर है, सबसे पहली बात तो यहां पे क्या है, डेल्टा एन नेगेटिव है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे. एज सून एज वी इंक्रीज द प्रेशर, बिकॉज देयर इज टू मच क्राउड, टू मच मोल्स आर देयर, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. सबसे पहली चीज क्लियर हो गई. दूसरी चीज ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहां पे इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, ये बैकवर्ड में आ जाएगी, इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा हमको, लो टेम्परेचर. थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. जब जब वेन एवर वी विल टेक देम इन एक्सेस, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड में मूव कर जाएगी. ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करें डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये कैसी रिएक्शन है, पहली बात तो ये है डेल्टा एन पॉजिटिव और साथ में ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, डेल्टा एन पॉजिटिव होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लो प्रेशर रखना पड़ेगा ताकि इसका डिसोसिएशन मैक्सिमम मोर एंड मोर हो सके. तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, लो प्रेशर, सेकंड क्या रहेगी, हाई टेम्परेचर. ठीक है, और साथ में इफ यू वांट यू कैन एक्सेस द PCl5, तो इट विल बी डिकम्पोजिंग मोर एंड मोर. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यहां पर A प्लस बी गिव्स यू सी. मेरा क्वेश्चन ये है, और ये कैसी रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक. इस रिएक्शन में अगर आपको
बी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, बी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यू वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बी, तो कैसे करोगे बताओ? सबसे पहली बात, ये कैसी रिएक्शन है? ए, ये है डेल्टा एन नेगेटिव, ठीक है? डेल्टा एन कैसा है यहां पे? नेगेटिव है यहां पे, ठीक है? तो यहां पे इस केस में मैंने, चलो इसको 2a plus b gives you c कर दिया, ताकि डेल्टा एन नेगेटिव कंफर्म दिखे आप लोगों को, ठीक है? तो यहां पे डेल्टा एन नेगेटिव है, तो डेल्टा एन नेगेटिव में प्रेशर बढ़ाना होता है कि घटाना होता है? अगर आपको इस रिएक्शन को बैकवर्ड करना है तो सोचिए, ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन घुमा दिया आप लोगों के लिए, आपको बनाना है यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस बी मोर, मतलब आप क्या चाहते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाए, बैकवर्ड में जाए तो आप प्रेशर घटाओगे या बढ़ाओगे? बताओ, प्रेशर को डिक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो कहां जाना चाहेगा वो? इधर की तरफ। अगर इसमें आप डेल्टा एन नेगेटिव वाली रिएक्शन में अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? भीड़ ज्यादा है तो वो आगे जाना चाहेगा। अब प्रेशर कम कर दोगे मतलब क्या कर दोगे? लोअर द टेम्परेचर, लोअर द प्रेशर, प्रेशर को लो करोगे तो पहले यहां अकाल पड़ा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है, ऑलरेडी यहां पे लेस प्रेशर है और आप फिर प्रेशर को लो कर रहे हो तो वो तो इसका ऑपोजिट करेगा, इक्विलिब्रियम तो इसके ऑपोजिट में जाएगा, तो ऑलरेडी बिकॉज हियर मींस फॉरवर्ड में प्रेशर इज लेस, सो इट विल कन्वर्ट इट्स डायरेक्शन, शिफ्ट डायरेक्शन फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, मतलब अब ये कहां जाना चाहेगा? पीछे की तरफ। वापस समझ लो, डेल्टा एन नेगेटिव की रिएक्शन है और मुझे बी का प्रोडक्शन चाहिए, मतलब मुझे बैकवर्ड रिएक्शन करवानी है, ठीक है? अगर मैं इसको टेम्परेचर को तो छोड़ो, प्रेशर को मैं बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो वो कहां जाएगी? यहां पे मोल्स ज्यादा है, प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो वो आगे जाना स्टार्ट कर देगी प्रेशर बढ़ाने पे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रेशर को लोअर डाउन कर रहा हूं, ठीक है? तो लोअर डाउन कर रहा हूं तो फेवरेबल कंडीशन कहां बन रही है? यहां बन रही है, क्योंकि ये भी प्रेशर लोअर है और हम भी प्रेशर लोअर डाउन कर रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम क्या करता है? उल्टा करता है, तो वो यहां से हटके आगे चला जाए। बात समझ में आ गई? यहां से हटके वो कहां चला जाएगा? आगे की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा सभी को। इज लाइक माइक इज टू हैवी, इट हैपन। चले आगे। सेकंड चीज क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ में भी छेड़छाड़। अगर मैंने इसको हीट दिया, टेम्परेचर को राइज किया, तो पहले से वहां पे फर्नेस लगी हुई है तो वो कहां जाएगा? पीछे की। सिंपल, तो पहली बात तो टेम्परेचर को लोअर द प्रेशर, ठीक है? प्रेशर को लो कर दो और टेम्परेचर को कैसा कर दो? हाई कर दो। अपने आप यहां क्या हो जाएगा? रिएक्शन में बी की अमाउंट बढ़ती जाए। चले आगे। अब लास्ट पॉइंट जो हमको समझना है बेटा, वो है फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस ला शतेलिर प्रिंसिपल। हम मेल्टिंग ऑफ आइस को देखते हैं कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा सिस्टम बनाता है? आइस वाटर सिस्टम। याद रखना, मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा सिस्टम है? ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये है एंडोथर्मिक, बिकॉज मेल्ट होने के लिए सराउंडिंग से टेम्परेचर लेना पड़ता है, टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करना पड़ता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक सिस्टम। तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले से यहां पे लगी हुई है टेम्परेचर, ये अब्सॉर्ब कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? ये आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, ये आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब एट हाई टेम्परेचर मोर वॉटर इज फॉर्म्ड एट इट अब्सॉर्ब द हीट। खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं इस पे प्रेशर बढ़ाऊं, ये कैसे समझ में आएगा? वेरी नाइसली रिटन है यहाँ पे, वैसे तो कोई समझने की दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। देखो, ये आइस है, इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर से। क्यों? क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका स्ट्रक्चर केज स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवरीथिंग, वो वहां पे थोड़ा सा बेंडिंग होती है, तो इस वजह से आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है किससे? वॉटर से। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका प्रेशर कैसा होगा बताओ?
इसका प्रेशर कैसा होगा बताओ, इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका प्रेशर कैसा है बताओ जरा, दोनों में सेम लग रहा है। तो जस्ट अ सेकेंड, तो जब आप इसका वॉल्यूम ज्यादा रख रहे हो, अगर आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो ये किधर शिफ्ट होना चाहेगा, आगे की तरफ, बिकॉज जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे ये क्या करना चाहेगा, अपना वॉल्यूम कम करना चाहेगा। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, इक्विलिब्रियम चाहता है कि वॉल्यूम को भी कम करे, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहिए उसको, टेम्परेचर को कम करना चाहिए उसको, उसको हीट को कम करना होता है। तो यहाँ पे जब आप आइस को देख रहे हो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो जब वॉल्यूम ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किधर, जहां पे वॉल्यूम लेस है, कब, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे। प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम कम होना चाहिए, यही तो हो रहा है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस जो वॉल्यूम में ज्यादा है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वाटर की तरफ। देखो लिखा हुआ, एट हायर प्रेशर्स मोर वाटर विल बी देयर। तो मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या है मेल्टिंग के लिए, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। सिमिलरली आप सल्फर के लिए समझ सकते हो कि सल्फर सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, वही मेल्टिंग ऑफ सल्फर है। यहाँ पे भी अगेन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों के लिए सेम लग रहा है। यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन है कि सॉलिड का वॉल्यूम लेस होता है, सल्फर सॉलिड का वॉल्यूम लेस है सल्फर लिक्विड से। तो हायर प्रेशर पे यहाँ पे देखो, लेस सल्फर विल मेल्ट एज मेल्टिंग इंक्रीजिंग वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम का एक्सेप्शन सिर्फ वाटर में है बेटा, आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, आपको स्ट्रक्चर देखने को भी मिलेगा जब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहां पे आप देखिएगा कि आइस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तभी तो हम बोलते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, आइस का डेंसिटी 4 डिग्री, फिर 4 डिग्री से 0 डिग्री तक होता है, तो डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, वो सब आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आइस का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होता है जरा सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में, 4 डिग्री पे या 0 डिग्री पे, वॉट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ आइस, कहाँ पे होगा, एट विच टेम्परेचर द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ आइस विल बी ऑब्जर्व्ड, कौन सा टेम्परेचर रहेगा, वो रहेगा हमारा, आंसर आपको देना है। ठीक है, तो हायर प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज करना है। यहाँ ऑलरेडी वॉल्यूम कम है और यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम कम से ज्यादा नहीं जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मेल्टिंग ऑफ सल्फर विल बी लेस एट हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर पे मेल्टिंग ऑफ सल्फर को लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर सल्फर की मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, देखो अगर हाई प्रेशर पे सल्फर का मेल्टिंग ज्यादा हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पीछे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अगर हाई प्रेशर पे सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग कम हो रहा है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट आगे शिफ्ट हो रहा है, यही तो लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे किसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, सल्फर का, और यहाँ पर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, वाटर का, बिकॉज प्रेशर से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो स्ट्रिक्टली बेस्ड हैं हमारे ला शैटेलियर प्रिंसिपल पे। पहला क्वेश्चन आप ये देखिए, मैच द कॉलम विद 1, 2, 2, चार रिएक्शन आपको दी हुई है। पहली रिएक्शन है H2+I2 gives you 2HI, दूसरी है CaCO3 gives you CaO+CO2, तीसरी है N2+3H2 goes to 2NH3, PCl5, PCl3, Cl2। पहली रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है डेल्टा N इक्वल टू जीरो, यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा N पॉजिटिव, यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा N नेगेटिव, यहां पे भी लिखा हुआ है डेल्टा N पॉजिटिव। अब इनको मैच करना है इधर, तो सबसे पहली रिएक्शन देखो बेटा, H2+I2 goes to 2HI, तो इसके ऊपर अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका प्रेशर भी बढ़ाओगे, क्योंकि डेल्टा एन कम है, अगर आप इसका प्रेशर भी बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखना है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अनअफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, अनअफेक्टेड बाय व्हाट, इंक्रीज इन प्रेशर। जब आपको प्रेशर से फर्क नहीं पड़ रहा तो आप इसका इनर्ट गैस भी इसमें ऐड कर दोगे, जैसे कि आपने नियोन ऐड कर दिया, आपने हीलियम ऐड कर दिया, या आपने आर्गन ऐड कर दिया, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए के साथ में पहले तो क्या आएगा, पी, फिर क्या आएगा, आर। ठीक है, अब देखना और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, फॉरवर्ड शिफ्ट बाय राइज इन प्रेशर, जब प्रेशर में डेल्टा एन नेगेटिव है या जीरो है या पॉजिटिव है, तभी तो देखेंगे ना। अब यहाँ पर डेल्टा एन कितना है, जीरो, तो प्रेशर पे फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, तो बैकवर्ड जाएगा ना फॉरवर्ड जाएगा। सेकेंड चीज देखो,
CaCO3 gives you Ca और CO2. B वाला जो आपको दे रखा है, A में तो P और R आएगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. B वाले को ध्यान से देखो, इसमें डेल्टा N कैसा है? पॉजिटिव है. डेल्टा N कैसा है इसके लिए? पॉजिटिव है. तो पहला तो जब आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जब आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, इसका प्रेशर बढ़ाने पे ये पीछे जाना चालू कर देगा. क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड शिफ्ट इन प्रेशर राइज, और फॉरवर्ड शिफ्ट जब इसके अंदर हम इनर्ट गैस डाल देंगे. तो बी में क्या आएगा बेटा? एस आएगा. ठीक है, बी में क्या आएगा इसके अंदर? एस आएगा. थर्ड देखो, डेल्टा एन नेगेटिव वाली रिएक्शन है. डेल्टा एन नेगेटिव वाली रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि जब आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो ये आगे शिफ्ट कर जाएगी. तो क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड शिफ्ट बाय राइज इन प्रेशर एंड बैकवर्ड शिफ्ट बाय इनर्ट गैस रिएक्शन. फॉरवर्ड शिफ्ट कहां हो जाएगा? जब आप इसके प्रेशर को राइज करोगे. और बैकवर्ड कब हो जाएगा? जब आप इसके अंदर इनर्ट गैस को एडिट कर दोगे. ठीक है, इसके बाद में ये वाला देखो, सेम डेल्टा एन पॉजिटिव है यहाँ पे. डेल्टा एन पॉजिटिव में क्या रहेगा यहाँ पे? वापस से बैकवर्ड शिफ्ट इन राइज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड फॉरवर्ड शिफ्ट व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड टू दिस. ये आपको याद रखना है कि इनर्ट गैस को क्यों डालते हैं, कि डालते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए. ये क्वेश्चन इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है. डेल्टा एन चेक कीजिए, लास्ट अटेयर अपने आप समझ में आ जाएगा. अगला क्वेश्चन जो इसी का है वो देखिए, आपको चार सीक्वेंस दिए हुए हैं. पहला क्यू इक्वल टू के, तो क्या बोलेंगे इसको? जब Q इक्वल टू के होता है तो क्या होता है? सिंपल सा है, जब Q इक्वल टू के है बेटे तो रिएक्शन कहां पे होगी? एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, दूसरा देखो, जब Q छोटा है और K बड़ा है, मतलब कि K इसको खींचेगा अपनी तरफ, मतलब कहां जाएगी वो? रिएक्शन इज फास्ट फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि कहां जाएगी? यहां पे. जब Q बड़ा है कैसे, मतलब Q को पीछे खींच लेगा, तो क्या बोल सकते हैं इसको? कि रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. यही तो बोल सकते हैं. ठीक है बेटा, यही तो इसको बोल सकते हैं. और लास्ट वाला देखो, जब K इज वेरी 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 लार्ज देन 1, तो क्या बोलेंगे? रिएक्शन इज नियरर टू कंप्लीशन, मतलब क्या होने वाला है? रिएक्टेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. एक लास्ट का छोटा सा टॉपिक जो हमारे पास में बचा हुआ है वो है रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये हमको पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, एक्स या फिर अल्फा. ठीक है बेटा, या तो आप एक्स से डिनोट कर दोगे या अल्फा से डिनोट कर दोगे उसको. तो किसी भी रिएक्शन में जब आप देखो, ए गिव्स यू वाई बी, तो इनिशियली कितने मोल रहेंगे? 1 मोल इसके रहेंगे, 0 इसके रहेंगे. और जब इक्विलिब्रियम आएगा और वो अल्फा डिसोसिएट हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा, इसके मोल बचेंगे और इसके कितने बन जाएंगे? वाई अल्फा. ठीक है, तो ए और बी जब इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो टोटल मोल्स कितने रहेंगे वहां पे? ए माइनस अल्फा प्लस वाई अल्फा. इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फा कॉमन, वाई माइनस 1. ठीक है बेटा, अब अगर इनिशियली यहां पे वॉल्यूम कितना था, यहां पे वॉल्यूम कितना था? V, मतलब कि इनिशियली जो वॉल्यूम था वो कितना था? V. अब कितना हो जाएगा बेटा? अब वो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1 प्लस अल्फा y माइनस 1. ठीक है, कितना हो जाएगा वो? अब जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा y माइनस 1 इंटू वी. क्योंकि वॉल्यूम किसके करस्पॉन्डेंस में चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस विद द मोल. जब शुरू में 1 मोल था तो वो वी था, अब जब यहाँ पे इतने मोल हो चुके हैं तो कितना हो जाएगा? मोल इंटू वी. ठीक है बेटा, अगर मैं ये कहूं कि शुरू की जो डेंसिटी थी वो थी डी और लास्ट वाली है स्मॉल डी, डिनोट करने का तरीका है, उसमें कोई इश्यू नहीं है. तो शुरू की डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाय वी, बिकॉज हमको पता है मास बाय वॉल्यूम होता है. और अगली डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा y माइनस 1 इंटू वी. इसी की हो जाएगी ना बेटा, देखो ये लिखी हुई है सब यहाँ पे. ठीक है,
तो यहां से जब हमको दोनों डेंसिटीज मिल रही हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा? जब ये हमारा नया वॉल्यूम है और ये हमारा पुराना वॉल्यूम है, और इसकी डेंसिटी कितनी थी हमारी, डेंसिटी को कैपिटल डी बोल दिया और इसको बोल दिया स्मॉल डी, तो डी अपॉन डी का रेशियो कितना आएगा? डी अपॉन डी का रेशियो कितना आएगा बेटा? डी अपॉन डी का रेशियो जो हमारा आएगा वो आएगा ये, डी अपॉन डी का जो रेशियो हमारा आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी जो इनिशियल डेंसिटी थी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी, जो फाइनल डेंसिटी आई वो प्रोपोर्शनल होगी इसके, ठीक है। तो अब जब आप इसको डी बाई डी का रेशियो निकालेंगे तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 1 प्लस अल्फा y माइनस 1, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये अल्फा की वैल्यू जो है डी माइनस डी अपॉन डी वाई माइनस वन। यहां पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियल डेंसिटी माइनस इक्विलिब्रियम डेंसिटी अपॉन इक्विलिब्रियम डेंसिटी इंटू वाई माइनस वन, जो y के उसके मोल थे वो यहाँ पे निकाल के आपको माइनस वन करना है और अल्टीमेटली उससे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है कुछ चीजें, इसी को आप सिंपली डी बाई डी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इसको आप मोल्स के टर्म पे और मास के टर्म में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा मैंने अल्फा इक्वल्स टू इनिशियल माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन इक्विलिब्रियम माइनस वाई माइनस वन, वैसे आप मास के टर्म में भी लिख सकते हैं m माइनस एम अपॉन एम इंटू वाई माइनस वन। ये कैसे निकाला? बिकॉज हमको एक चीज पता है कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी या डेंसिटी इक्वल्स टू मास होता है। इस फॉर्मूला से आप मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं, सेम चीज निकल के आएगी, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हैं आपके सामने, उनके लिए आपको y की वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे इसके लिए y की वैल्यू 2 आती है क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीजें बनती हुई दिख रही है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ये 1 और ये 2, तो वो हमने लिखा था a रिवर्सिबल y b, तो ये y क्या हो जाएगा, इसका जो नंबर है 1 प्लस 1 हो रहा है, डेल्टा n नहीं है ये, डेल्टा n के लिए हमको n प्रोडक्ट माइनस n रिएक्टेंट करना पड़ता है, वो नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद में इसके लिए कितनी है y की वैल्यू, इसके लिए कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसके लिए बताइए, इसके लिए निकालने का तरीका सिंपल सा है बेटा, ये देखो ये 2NO2 रिवर्सिबल N2O4 है, मुझे इसके लिए y की वैल्यू निकालने, तो मैंने रिएक्शन को ऐसे लिख दिया N2O4 N2NO2 से ये बनाया, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे जो हमको आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग N2O4 एंड NO2 इज दिस 38.3, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम्स ऑफ दिस। एक रिएक्शन बनी हुई है, एक इक्विलिब्रियम सेट हुआ है N2O4 का इसके साथ में NO2 के साथ में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम सेट हुआ जिसे हमने यहाँ पे भी तो देखा था, इसको भी अच्छा, ये यहाँ पे था, ये देखो रिएक्शन ये रही, इसको उल्टा कर देंगे तो वो रिएक्शन यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है बेटा। ये इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है N2O4 का NO2 के साथ में, तो इसको तोड़ने के बाद में अब वो कह रहा है कि इसकी डेंसिटी मतलब स्मॉल डी कितना है बेटा, 38.3 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे निकालना है इसकी इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी कितनी आ जाएगी इसकी बेटा, वो आ जाएगी इसकी m बाय 2। m कितना है इसका, 14 + 14 = 28 + 64, यानी कि ये कितना हो रहा है 92/2, मतलब 46। तो ये मेरे पास इनिशियल डेंसिटी आ चुकी है, कैपिटल डी कितना आ चुका है इसका, 46 आ चुका है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर। मुझे 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर में NO2 के मोल्स निकालने हैं, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे चाहिए अल्फा। अल्फा आएगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कि किसके कितने मोल थे। इसका अगर मैं 1 मान लूं, इसका 0 मान लूं, तो इसका 1 माइनस अल्फा और इसका 2 अल्फा हो जाएगा, तभी तो मैं कर पाऊंगा बेटा उसको। तो अल्फा की फॉर्मूला क्या बनेगी यहाँ पे, अल्फा का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी वाई माइनस 1। तो डी कितना है, 46 - 38.3, यही तो है, 46 - 38.3 अपॉन
38.3 माइनस इंटू 2 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 46 माइनस 38.3, 46 माइनस 38.3 को कैसे करेंगे, 4600 38.3, ये बचेगा हमारा 7, 15 में से 7, 17, तो 7.7 अपॉन 38.3, ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, यहां तक में कोई डाउट है, ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करने पे इसमें अल्फा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी अराउंड 0.2। मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से कर लिया था। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन है बेटा वो इक्वेशन है ये वाली, N2O4 रिवर्सिबल का साइन गिव्स यू 2NO2। अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, इनिशियली 1 और 0 था, अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है और यहाँ पे 2 अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इक्विलिब्रियम पे जब ये लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 और यहाँ पे 2 इंटू 0.2, तो ये हुआ 8 मोल्स और ये हुआ हमारा 4 मोल्स। ठीक है बेटा, हमें देखना है कि NO2 का 100 ग्राम मिक्सचर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 100 ग्राम मिक्सचर तक जाने से पहले क्यों ना हम राइट नाउ जो मिक्सचर का मास है उसको चेक कर लें। तो टोटल मिक्सचर का मास कितना है अभी, टोटल मिक्सचर का मास कितना है हमारे पास में, 0.8 मोल्स इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास विच विल बी अराउंड 14 + 14 = 28 + 64 = 92, प्लस इसका मास और इसके मोल 0.4 इनटू इसका मास 32 + 14 = 46। ओके बेटा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8,6,8,973.6 प्लस ये आएगा 80.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा राइट नाउ मिक्सचर कितना है, 92 ग्राम। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कि व्हेन 92 ग्राम मिक्सचर, देन उसमें कितने मोल्स हैं NO2 के, मोल्स ऑफ NO2 कितने रहेंगे बेटा, वो रहेंगे हमारे 0.4। अगर मैं इसको 100 डिग्री 100 ग्राम कर देता हूं तो हमारे मिक्सचर में मोल्स कितने होंगे बेटा, वो रहेंगे 0.4 अपॉन 92 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अराउंड 0.43 के अराउंड इसका वैल्यू आएगा। ओके बेटा, तो ये इसका आंसर रहेगा और ये लगे हाथ हमने क्वेश्चन कर लिया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन किससे, डेंसिटी से। हमने और भी क्वेश्चन किए थे, आई होप आपको वो क्वेश्चंस में फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस आया होगा। मैं अब इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूं। हमने आज के लेक्चर में जो चीजें पढ़ी है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखो आज से पहले हम लोग सिर्फ पढ़ते आ रहे थे कि आई 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, बट लास्ट अटेलियर प्रिंसिपल की बेसिस पे उसकी हेल्प से हमें ये पता लगा कि ऐसा होता क्यों है। किसी एंडोथर्मिक ऑपरेशन पे या किसी एंडोथर्मिक चेंज पे प्रेशर का या टेम्परेचर का क्या चेंज पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने देखा, केपी और केसी की वैल्यूज कैसे चेंज होती है हमने वो देखी, रिएक्शन को समझ के उसके लिए केपी और केसी का डेरिवेशन करना सीखा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ये याद रखना है कि जब आप इस लेक्चर को दोबारा देखें तो आप इस सारे डेरिवेशंस खुद से करें, ये डेरिवेशंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी हेल्प से आपको और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ये वन टाइम वॉच है बेटा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपको ये सारे डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करना है और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए, अपकमिंग ईयर्स के लिए। मैं फिर से एक और बात दोहराना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि मेरा बैकलॉग है तो वो फिलहाल इन टॉपिक्स को रोक के पहले पुराने वाले कवर कर लीजिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक्स हैं वो वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स आएंगे। ये थोड़े से एडवांस वर्जन ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि आप हम ये मान के चलते हैं कि अब आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आपको थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग आता है, आपको थर्मो वगैरह का ज्ञान है, तभी तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम वो कर पाएंगे। तो बैकलॉग के केसेस में आप ऐसा करें, और जो लोग सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मींस एनएससीजीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपना टाइम पूरा डिवाइड कर लें, संडे को फुल यूटिलाइज करें। हर चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, खेलना, पढ़ना,
थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बिकॉज आप अभी ऐसा नहीं कि आपको मजदूर बना दिया जाएगा, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि संडेज को आप यूटिलाइज कर लीजिए। संडेज से पहले, जैसे नॉर्मल डेज में अगर आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, संडेज को आप ट्राई कीजिए कि 7 घंटे या 7.5 घंटे तक आप खींच सकें। सिटिंग का एक बार में मत कीजिए, बिकॉज देट इज ऑल्सो वेरी टायर्ड प्रोसेस। आप दिन भर में अगर 5 आवर्स 6 आवर्स मैक्सिमम पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत ब्रेक बीच में लीजिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े उसके दौरान। पढ़ना एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, स्टडी करना एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ढंग से पढ़ाई कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे हमारे चैनल ओलंपियाड वाला पे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीचर्स टीम आपसे वहां पे कनेक्ट रहती है। शिवेंदु सर भी आपको कई बार वहां पे गाइड करने आते हैं। मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं आपसे वहां पे मिलने आऊं, मतलब गाइड करने आऊं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ढंग से पढ़ाई कीजिए। सिर्फ एनएससी जेएस के लिए मत पढ़िए, आप पढ़िए अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बायो अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आपको फ्यूचर में काम देगा, फ्यूचर के एग्जाम्स में काम देगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स है आपका आप लिखिए, मुझे बताइए, मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, स्टे सेफ बेटा, लव यू ऑल।